दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अभी भी राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण खत्म करने का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच डिबेट के लिए बुलाया था, लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी केजरीवाल नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच बात करने से डरते हैं। हमने केजरीवाल जी को आज गेट नंबर 6 पे बुलाया था और उनको हमने लेटर भी उनको दे के आए थे, उनको हमने पोस्टर भी उनके वहाँ चिपकाए थे, बट वो आज नहीं आए। हमने 4 बजे तक वहाँ इंतजार किया, वो आज नहीं आए। मैं तो केजरीवाल जी को उपाधि देता हूँ, केजरीवाल जी का नाम जो है केजरीवाल की जगह भागलीवाल का नाम रख देते हैं। वो उनको आना चाहिए था, जनता को जवाब देना चाहिए था कि ये पोल्यूशन क्यों है, वो नहीं आए। और इसका मतलब कि उनको गिल्टी कॉन्शियंस है, उन्होंने पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट या डस्ट मैनेजमेंट या मैकेनिज्म जो क्लीनिंग का, जो दिल्ली को साफ करने के लिए मैकेनिज्म उनको करना चाहिए था, उन्होंने कोई मैकेनाइज क्लीनिंग का सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने। देखिए, जो हम लोगों ने पिछली बार हम जब स्मार्ट टावर पे गए थे और हमने स्मार्ट टावर पे देखा कि बंद पड़ा है, उसके बाद हमने उनको एक निमंत्रण दिया था ऑफिशियली भी कि आप आए और ओपन डिबेट करें आज 24 नवंबर 3 बजे गेट नंबर 6 के सामने, बट उनकी तरफ से वो नहीं आए और ना ही कोई मैसेज कम्युनिकेट किया। तो सब अपने भगोड़ों का आरोप लगा, क्या लगता है क्यों नहीं आए अरविंद केजरीवाल जी? इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास तो जवाब नहीं है। उनके पास बहाने तो बहुत हैं कि पंजाब में पहले पराली होती थी तो पंजाब के नाम आता था, अब 5 स्टेटों का नाम आ रहा है, वहाँ भट्टे की बात हो रही है, बट दिल्ली के अंदर हर साल ये प्रॉब्लम साल बाय साल बढ़ती जा रही है और दिल्ली सरकार का बजट साल बाय साल वो भी बढ़ता जा रहा है, बट जो दिल्ली के निवासी है उनको कोई भी राहत नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा लोक कल्याण पार्टी? इससे 2 कदम हम लोगों ने अगले अब सोचे। एक, बड़ी जल्द जंतर मंतर के अंदर हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम दोबारा निमंत्रण देंगे कि आके यहाँ पे बात करें और जो दिल्ली की जनता है उनको भी इनवाइट करेंगे और जो एनवायरमेंटल और सोशल एक्टिविस्ट है उनको भी बुलाया जाएगा। और जो दूसरा कदम उठाया है वो ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को एक अपील जाएगी हमारी तरफ से कि जितनी भी ग्रांट सरकार को दी जाती है कार्बन क्रेडिट की वो रोकी जाए और स्टेट लेवल का जो टैक्स है वो हटाया जाए जब तक ये प्रदूषण की प्रॉब्लम नहीं हटती।